गाड़ी एकदम अलग ही लग रही है भाई, अलग ही लुक में, एक नंबर। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं निंजा अपनी मुंबई में खड़ी है लेकिन अपने दिल के बहुत करीब है। पूछो कैसी। कुछ दिनों में शायद निंजा वापस आने वाली है। लेट्स गो ब्रो। 100% श्योर नहीं बोलता, एक्चुअली मैंने लिमिटेड टाइम ऑफर इसलिए रखा था क्योंकि अगर किसी को सच में लेनी होगी भाई, कैश जेब में होगा तो पहुंच जाएगा बंदा। 8 लाख की ऑन रोड जाती है, अगर आपको वो 1-1.5 लाख सस्ते में पड़ रही है तो भाई आप ही का फ़ायदा है ना। RTO का पैसा बच रहा है शोरूम गाड़ी पे। देखिए देखते हैं, अभी बहुत काफ़ी दिन तो हो ही गए हैं, गई गई नहीं गई तो सर्विस करा के वापस बैक टू बेस। और रही बात अपनी रॉयल इनफील्ड की, तो रॉयल इनफील्ड में अपने को एक तो सबसे पहले इंदौरी डालना है, घर पे रखा हुआ है। सेकंड बफिंग करनी है वो, और चैन सेट बदलना है, और छोटी सी सर्विसिंग करानी है बस, ऑल सेट। और हाँ, चारों इंडिकेटर बदलने हैं मुझे, नए डालने हैं क्योंकि उस पर बहुत ही ज़्यादा ये जो फैड कलर हो गया है ना वो पूरा एकदम, ये देखो स्क्रैचेस वगैरह, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भाई। निकाल के अपन चारों इंडिकेटर डाल देंगे क्योंकि रॉयल इनफील्ड से ना मेरे को डर नहीं लगता भाई। जब भी खर्चा आता है ना, ऐसा लगता है मेरे को कि एकदम ईजी वे में कम से कम खर्चे में काम हो जाएगा यार। 1500-2000 का बिल बनता है यार, एकदम रिलैक्स। लेकिन जब निंजा की बात आती ना तो भाई कम से कम भी 10,000 रुपये चाहिए जेब में। संडे का दिन है, निकला हूँ राइड पे, इससे पहले निकला था कहीं और, आया नहाया निकला, शिंदे का फ़ोन आ के थक गया है अभी, शायद वो घर पे निकल गया होगा, नहीं निकला होगा तो अपना प्लान राइड कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अपन तो संडे का लुफ्त उठाएंगे ना बिडू, अपन तो उठाएंगे इतना। निंजा के बारे में सोच के मेरे को ये ख्याल में आया कि भाई एक दो का व्लॉग देखने के बाद यार उस गाड़ी को मैं बना लेता हूँ, उसको बनाता हूँ मैं। और जिस दिन भी अपना शोरूम खुलेगा ना भाई, जिस दिन शॉप खुलेगा कांच का, अंदर अपना डिस्प्ले में लगी रहेगी यार, हायाबुसा भी आएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी ले ली ना और फैमिली को जाके ली, मतलब खुद लेके नहीं आया, खुद लेके आया तो एक इमोशन जुड़े हुए हैं सबके, एक पहली घर के अंदर पहली स्पोर्ट्स बाइक मैं ले आता हूँ, उसको बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप भाई, उसका लोन क्लियर होगा फिर लेंगे कुछ ऐसा। 5-10 साल लगेंगे ना तो मज़ा आता है, समझ रहे हो आप लोग, ये मेरे को समझ में आया ऐसा। तो अपन देखो, मुंबई तो मेरे को जाना ही था, मुंबई तो सर्विसिंग कराने जाना ही था, तो सर्विस कराता हूँ और वहाँ से भाई एकदम मस्त स्मूथ गाड़ी लेके आता हूँ। आज संडे, आज जाना था, चलो 1-2 दिन में प्लान बनाएंगे और लेके आ जाएंगे, है ना। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। एकदम राइडिंग का मौसम हो रहा है यहाँ पे, राइडिंग का मौसम। दिल्ली वालों, दिल्ली वाले बोल रहे दिल्ली मत आना, मैंने बोला क्यों, बोले ऐसी गर्मी पड़ रही है ना, परेशान हो जाएगा तू, ये मौसम नासिक में आके देखो जरा। अरे यार, फोर व्हीलर में आना चाह रहा था मैं बोला थोड़ी राइड करके आएंगे, हो गई बारिश चालू। लो भैया, जिसका इंतजार था वो भी आ गए, क्या बात है, इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना ही था अपने को। और भाई फाइनली अपनी नई गाड़ी अभी स्टॉर्म, और अभी तो फिलहाल कुछ कराया नहीं इसमें, लेकिन अच्छी बात है रन हो गया है 4354। ये चीज मेरे को बहुत यूनिक लगती है, ये एकदम यूनिक आता है, ये हर गाड़ी का, ये सेम नहीं मिलेगा तुमको किधर भी, सबका अलग अलग रहेगा। पहले BS4 में मैंने यही बुक किया था, तो BS6, ये BS4 दोनों अच्छी लग रही है। वैसे भी मैं बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को, आने वाले मैं बोल रहा हूँ 1-2 साल बाद और गाड़ी के अंदर इतना चेंज आएगा कि आप बोलोगे यार अभी भी टाइम है। अगर बुलेट में किसी को जाना है, क्लासिक स्टॉर्म में जा सकते हैं आप लोग, BS6 भी फाइनल ले सकते हैं। इसके बाद कंपनी इतनी डाउन हो रही है, गवर्नमेंट के इतने प्रेशर है कि गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाना है कम से कम, और इंजन छोटा करना है कम से कम, पॉल्यूशन दे, कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाए भाई, जो चला रहा है ना उसको हल्का भी झटका नहीं लगेगा। बकेट सीट तो चाहिए चाहिए लॉन्ग राइड के लिए, इसमें भी कुछ नहीं अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। RX 100, तुम्हारे भाई के पास भी RX 100 है, हमारे फादर साहब ने ली थी गाड़ी को बनाने का है भाई। RX 135 खड़ी है बस, पापा बोल रहे हैं ठीक है देख ले, अगर मैनेज होगा तेरे से बना ले, और बनाएंगे 135, एक गन मेटल ग्रे, एक निंजा, और एक फाइनल गाड़ी भाई, हाई एंड में जाना है, एकदम हाई एंड में। लेकिन उसके लिए मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा वेट करूँ, इतनी घाई ना करूँ और इतना जल्दबाजी ना करूँ, यही मेरे लिए ठीक होगा जो मैंने फाइनल डिसीजन लिया है। अभी देखते हैं, अगर निंजा की डील हो गई तो अच्छा है सही रेट में, अगर नहीं हुई तो उस गाड़ी को बनाऊंगा भाई। अभी भी गाड़ी को मैं बोल रहा हूँ मैंने इतना रन नहीं किया, और हाईवे टू हाईवे आप लोगों ने कभी मेरी वीडियो में नोटिस किया होगा, मैं निंजा को कभी भी भाई गड्ढों में या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे ऑफ रोड हो सकती है मैं लेके नहीं जाता हूँ यार, ओनली फॉर हाईवे राइड्स, फॉर संडे राइड्स। रात से मेरी वही बात चल रही थी कल
कि ऐसा वैसा करने का। राज बोला, राज का भी डिसीजन वही है कि भाई तू ऐसे ही कर, अभी तो थोड़ा रुक जा क्योंकि बाइक्स में बहुत चेंजेस आने वाले अभी। हायाबुसा की इच्छा है, ये सपना है, आपको बता दिया मैंने। एक स्पोर्ट्स बाइक थी हायाबुसा, तो एकदम हायाबुसा अपने को मिलेगी भाई राइड में। मैं 10 दिन के लिए एक हायाबुसा लेने वाला हूँ, कॉन्टेक्ट में है एक बंदा दिल्ली का, सिटी के अंदर अभी थोड़ा सा इंदौरी डाल दूंगा भाई, क्योंकि इंदौरी का फील अलग आता है, बुलेट प्रॉपर फील देती है, खासकर BS4। शिंदे की भी प्लानिंग चल रही है बुलेट लेने के लिए, तो मैंने उसे सजेस्ट किया क्लासिक में जा, गनमेटल ग्रे उठा, नहीं तो स्टैंडर्ड में ब्लैक उठा, तो मज़ा आ जाएगा यार। शोरूम में जाऊंगा तो आप लोगों को नए नए मॉडल जो निकले हैं वो भी शो करूंगा। फिलहाल चलते हैं घर पे और लंच करते हैं यार। मेरा प्लान था थोड़ा सा लंबा जाने का, हाईवे टच करके यू टर्न आने का, लेकिन ठीक है अभी वो फील क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि इंदौरी नहीं है। करता हूँ मैं, घर पे बैठ के कर लूँगा या फिर कल कर लूँगा मैं उसको। बाकी लुक ऑसम आ रहा है यार। तुम्हारे भाई की गाड़ी 27,000 का रन हो गया है, लेकिन जो भी बैठ के चलाता है ना बोलता है शोरूम में। मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात है। देखो चीज़ को खरीदने को तो खरीद लेगा, आजकल लोन इतनी जल्दी प्रोवाइड होते हैं। मैं बोलता हूँ आप लोगों को, मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाता हूँ ना तो वो बोलते हैं सर आपका कुछ नहीं चाहिए, पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, दो फोटो दो, हम आपको लोन देते हैं 20-30-40 हज़ार का डाउन पेमेंट, सीधा लोन मिल जाता है फाइनेंस से। फाइनेंस की थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। बंदे ने गाड़ी मेंटेन कर ली ना, 10 साल बाद भी चला के बोले अरे बाप गाड़ी यार बना के रखी है। और इसकी तो सबसे बड़ी खासियत ये बोलता हूँ मैं, पूरे इंडिया का राउंड मारा है इसने। इस पे बैठ के मेरे को ऐसा फील होता है अरे बाप रे तू कन्याकुमारी से ऐसा राउंड मार के आई है, पूरा एकदम चेन्नई विन्नई होके ऊपर एकदम कुल्लू मनाली तक, बस इसका लद्दाख बाकी है, नॉर्थ ईस्ट बाकी है, भूटान और नेपाल बाकी है यार। बहुत राइड है यार, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। ऐसा मत सोचा अंकुश भाई अभी चैनल पे वीडियो आती नहीं, ये वो आएंगी आएंगी, जिस दिन जोर पकड़ेगा ना अपन, तुमको मालूम है 50-60 दिन एक साथ लगातार। रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाने वाला हूँ, गोप्रो को फुल चार्ज कर दिया थोड़ी देर में। मौसम तो ऐसे हो रहा है, मौसम रंगीला हो रहा है और मेरे को बहुत पसंद है ऐसा मौसम जिसमें हल्की हल्की फुल्की फुल्की बारिश हो और बाइक पे मज़ा आ जाए भाई राइड का। राइड का भी प्लान है और हो सकता है कि मैं आज या कल या आज शाम को ही मैं आपको आने वाले व्लॉग में शायद अपनी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाके जो पता करने जा रहा हूँ मैं बफिंग वगैरह के बारे में और कितना टाइम लगेगा उसको, एक बार मिलता हूँ अपने दोस्त से और उसके बाद कल परसों मैं रॉयल एनफील्ड को लगा दूंगा। सारी वीडियो बनाऊंगा भाई, बफिंग की वीडियो बनाऊंगा, जो जो चेंज करने वाला हूँ उन सब की वीडियो बनाऊंगा। बंदे ने मेरे को सजेशन दिया है कि भाई एक काम करो, अगर तुमको टू लाइन में अगर ये चाहिए तो ये वाला SC लगाओ या फिर एग्रापोविक लगाओ। एक योशिमुरा नाम का है जो मैंने वीडियो तो देखी लेकिन वो इंडिया के बाहर की वीडियो है। That's what I fucking wanted, dude. योशिमुरा नाम का एक एग्जॉस्ट है लेकिन भाई आवाज़ ऐसी दे रहा है ना वो जैसे 4 लाइन की आवाज़ होती है, मतलब आदमी हाई स्पीड में जाएगा तो लगेगा कि हाँ भाई सुपर बाइक या स्पोर्ट बाइक गई है। आपको ये ब्लॉग यहाँ तक पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राधे राधे, बाय बाय।